एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि नाउ दैट क्या है, तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। नाउ दैट का मतलब होता है अब जब या चूंकि अब, यानी कई बार आप अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जहां आप कहते हैं अब जब, जैसे अब जब हम जान चुके हैं कि झूठ बोलना गुनाह है तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी कह सकते हैं, चूंकि अब हम जान चुके हैं कि झूठ बोलना गुनाह है तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब जब आप काफी ग्रामर जान लिए हैं तो आपको अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करना चाहिए, या चूंकि अब आप काफी ग्रामर जान लिए हैं तो आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करना चाहिए, चूंकि अब यहाँ बेईमानी के सिवा कुछ नहीं है तो यहाँ रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो फ्रेंड्स इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ आप कहते हैं अब जब या चूंकि अब को बोलने के लिए आप कहते हैं नाउ दैट। कैसे, आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। अगर आपको कहना हो अब जब हम जान गए हैं या चूंकि अब हम जान गए हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे नाउ दैट वी हैव नोन कि दैट झूठ बोलना गुनाह है, टेलिंग लाई इज सिन, तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, वी शुड नॉट टेल अ लाई। अगर आपको कहना हो अब जब आप काफी टॉपिक्स सीख लिए हैं या बहुत से टॉपिक्स सीख लिए हैं, नाउ That you have learned many topics, या now that you have learned a lots of topics, आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करना चाहिए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू शुड प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश। अगर आपको कहना हो अब जब यहाँ बेईमानी के सिवा कुछ नहीं है या चूंकि अब यहाँ बेईमानी के सिवा कुछ नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे नाउ दैट देयर इज नथिंग बट डिसऑनेस्टी एवरीवेयर, यानी अब जब यहाँ बेईमानी के सिवा कुछ नहीं है तो ऐसे हालात में ईमानदारी को बचाना बहुत मुश्किल है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेव फेथ इन सच सर्कमस्टेंसेस, यानी ऐसे माहौल में ईमानदारी को बचाना बहुत मुश्किल है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपने इस बात को शानदार तरीके से सीखा कि नाउ दैट का मतलब होता है अब जब या चूंकि अब। आइए यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं, एक और व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपसे कहूंगा जो टर्म्स यानी जो शर्त एक से लेकर पांच साल के होते हैं उसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म्स, लेकिन जो टर्म्स पांच से ऊपर के होते हैं, जैसे पांच से दस या पांच से पंद्रह, पांच से बीस यानी पांच से ऊपर के होते हैं, उन्हें हम कहते हैं लॉन्ग टर्म्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इन दोनों कंसेप्ट को शानदार तरीके से सीखा। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए